कराची में गर्मी कुछ कम हो गई, मौसम सुबह से खुशगवार। गुज़श्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में फुहार हुई, ठंडी हवाएं चल पड़ी। बादलों को देखकर शहरियों ने बारिश की उम्मीदें बांध ली। महकमे मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में फुहार हो सकती है, मानसून अभी दूर है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर के बाद बिजली का शॉर्टफॉल और लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में 4 से 8 घंटे और बिजली चोरी होने वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी ज्यादा हो गया। तरबेला में पानी की कमी के बायस 3000 मेगावाट पैदावार कम हुई। मुल्क भर में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का हदफ पूरा हो गया, 70 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का टारगेट है, खतरा अभी टला नहीं। शहरियों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील। कामयाबी पर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जिस तरह जंग लड़ी उसकी मोतरिफ पूरी दुनिया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन इडायट सफदर की अलजीजिया स्टील मिल्स, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेज में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों को कैसे सुना जाए, अदालत ने मुआवजा तलब कर रखी है। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने N25 हाईवे पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बरहम रिमार्क्स दिए, NHA को मिलने वाले फंड्स कहां जाते हैं, किसी रोड पर मयारी काम नहीं कर रहा, करप्शन का बाजार गर्म है, हाईवे पर हादसात में जान बहक अफराद का खून NHA के हाथों पर है। हैदराबाद में हुसैनाबाद के मकाम पर खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी, गाड़ी की स्पीड कम थी, ड्राइवर ने फौरी ब्रेक लगा दी, रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गईं। कराची के बहरिया टाउन में जलाओ घेराव और हंगामा आराई का केस, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 5 मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। 120 गिरफ्तार मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। क्रिकेट का सुपर मेला आज से शुरू हो रहा है। अबू धाबी के शेख जैद स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात होगी। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स रात 9 बजे मुकाबला आएंगे।